हेलो बच्चों आज मैं आपको क्लास टेंथ जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर फिफ्टी एट कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आज की वर्कशीट में भी हम कंस्ट्रक्शन ही करने वाले हैं और टेंजेंट की ही कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं ठीक है लास्ट वर्कशीट में भी हमने टेंजेंट बनाना ही सीखा था आज भी वही सीखेंगे लेकिन आज उसमें जो उनके बीच में टेंजेंट्स के बीच में एंगल होता है ना उसे बनाना सीखने वाले हैं देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा है जैसे फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये आपने थ्योरम की होगी थ्योरम टेन पॉइंट वन याद आ रही है जिसमें रेडियस जो होती थी वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती थी और नाइन्टी डिग्री का एंगल बना दी थी तो आज यही थ्योरम यूज़ करके हम अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट करने वाले हैं वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको ये टेंजेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्शन का ये समझाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी आप वर्कशीट ये मेरे साथ साथ कीजिएगा अपना पेंसिल कंपास डी सब चीज़ निकाल लीजिए जैसे जैसे मैं बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप आप साथ साथ वीडियो को पॉज करिएगा और ड्रॉ करते रहिएगा फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी टोटल तीन क्वेश्चन है बहुत आसान वर्कशीट है ठीक है इसके साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी जैसे कि आप सभी को पता है कि टर्म टू में ये चैप्टर आ रहा है और कई बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से मेरे से पूछ रहे हैं कि टर्म टू के लिए हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए मैम जिससे हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए मैं बता दूँ ऑस्वाल गुरुकुल ये आपके पास एक बुक है जिसमें आपको सी बी एस ई चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे स्पेशली टर्म टू के लिए ये बुक है क्लास टेंथ के लिए स्टैंडर्ड की ठीक है इसमें है क्या क्या ये भी देख लीजिए इलेवन हंड्रेड प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी वो मिलेंगे जो आपके पास टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का एग्जामिनेशन पैटर्न है ना उसी पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आपको यहाँ पर एम सी क्यूज मिल जाएंगे केस स्टडी क्वेश्चन मिल जाएंगे फिगर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे बिल्कुल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एग्जामिनेशन पैटर्न पर ही ये बुक बेस्ड है और बहुत ही अच्छी बुक है कंटेंट अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो पूरा टर्म टू का कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस यहाँ पर आपको सिलेबस में ये मिल जाएगा देखो चैप्टर वाइज यहाँ लिख रखा है कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है मार्क्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है हर चीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड है माइंड मैप आपको इस बुक में मिल जाएगा माइंड मैप का मतलब वो चीज़ जो आप एग्जाम टाइम पे चाहिए होती है आप लोगों को नोट्स आपके पास इतना टाइम नहीं होता है नोट्स बनाने का तो एग्जाम टाइम पर आप ये माइंड मैप देखिए सारी चीज़ें एक तरीके से नोट्स की फॉर्म में ही यहाँ लिखा हुआ है कि अच्छे से जल्दी से रिकप हो जाए चीजें तो हर चैप्टर का माइंड मैप मिल जाएगा क्वेश्चन मिल जाएंगे क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसके सोल्यूशन भी इसमें दे रखे विद एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं ऐसा नहीं है खाली आंसर आंसर दे दिए नहीं उसको एक्सप्लेन करके भी दे रखा है तो ये तो मैंने सिर्फ एक ही को आपको के लिए बहुत ही अच्छी बुक है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ साथ एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ये रही आपकी वो टेलीग्राम ठीक है तो सब्सक्राइब टू ऑसवर्ल्ड टेलीग्राम चैनल

ड्रॉ अ सर्कल ऑफ़ रेडियस फोर सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंज इन द एंगल बिटवीन द इज सिक्सटी डिग्री फर्क क्या है दोनों क्वेश्चन में यहाँ रेडियस फोर सेंटीमीटर है और यहाँ रेडियस फाइव सेंटीमीटर है तो मैं आपको फाइव सेंटीमीटर वाला करा रही हूँ फोर सेंटीमीटर वाला आप खुद से करने वाले हैं तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप ये वाला क्वेश्चन पहले आप मेरे साथ साथ बना लीजिए ठीक है तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है सर्कल बनाना है फाइव सेंटीमीटर का तो जल्दी से पहले स्टेप में सर्कल बना लीजिए फाइव सेंटीमीटर का रेडियस लीजिए फाइव सेंटीमीटर और जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए ठीक है देन आपको सेंटर पे आप लिख दो यहां पर ओ और यहां पर लिख दो क्यू क्लियर हो गया अब देखो एंगल आपको लेना है सिक्सटी डिग्री का इंक्लाइंड एंगल होना चाहिए टेंजेंट के ऊपर ठीक है ना तो अब आप क्या करो 180 में से 60 को माइनस कर दो तो बचा 120 डिग्री जो एंगल इंक्लाइंड एंगल होता है ना उसको माइनस करते हैं 180 में से ये सेकेंड स्टेप बता रही हूँ मैं आपको ध्यान से समझिएगा जो ये 120 डिग्री आया ना अब आपको क्या करना है यहाँ पर एक रेडियस बनानी है सर्कल की इस तरीके से कि वो एंगल बना रही हो 120 डिग्री का तो आप क्या करो यहाँ पर ओ पे वन डिग्री का एक एंगल बना दो ठीक है ना तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा वन डिग्री क्लियर है याद रखा रखना ये 120 डिग्री आया कहाँ से 60 में 60 को माइनस किया मैंने 180 से तो आपकी फ़िगर कुछ ऐसी बन गई है अब कंपास से बनाइएगा 120 डिग्री बहुत आसान है कंपास से बनाना आपको आता है 120 डिग्री का क्लियर है फिगर ऐसी बन चुकी है जैसे इस वाले क्वेश्चन में इस पार्ट में बनी हुई है चलिए अब आपको क्या करना है क्यू पे आपको क्या बनाना है परपेंडिकुलर बनाना है परपेंडिकुलर का मतलब होता है नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाना है तो एंगल बना दो नाइन्टी डिग्री का एक सेमी सर्कल बना के ऐसी बनाते हैं ना सिक्सटी डिग्री वन ट्वेंटी का आर्क देन दोनों यहाँ पर हम कट लगाते हैं और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं बन गया 90 डिग्री का एंगल उसी तरीके से आर पे भी आपको क्या बनाना है परपेंडिकुलर बनाना है मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है सेमी सर्कल बनाते थे एक एक का आर्क होता है एक 120 ट्वेंटी आर्क होता है फिर दोनों जगह पे कट लगता है यहाँ पर कट लगाएंगे हम दोनों पे और इसको क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे ठीक है जो ये दोनों परपेंडिकुलर है ना इनको एक्सटेंड करते रहो तब तक जब तक ये कट ना हो तो ये आपका नाइन्टी डिग्री बन गया ये आपका नाइन्टी डिग्री बन गया ठीक है अब जो ये वाला एंगल आया ना आप मेजर करके देख लो ये 101 एंड परसेंट सिक्सटी डिग्री का आया होगा और वैसे भी आप ध्यान से देखो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो क्वाड्रिलेटरल के तो चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 तो 120 ट्वेंटी प्लस नाइन्टी प्लस नाइन्टी करोगे तो 300 आ जाएगा तीन एंगल तो ये फोर्थ वाला एंगल फिर सिक्सटी डिग्री तो होगा और हमारे को सिक्सटी डिग्री ही बनाना था लिखा था ना यहाँ पर देखो विच आर इंक्लाइन टू इच अदर एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री बन गया सिक्सटी डिग्री का तो बहुत आसान है पहले एक सर्कल बनाना है देन उसमें क्या करनी है एक रेडियस बनानी है उस पर एंगल कितना बनाना है जो इंक्लाइंड एंगल है ना उसको 180 में से माइनस करके जो आएगा वो बनाना है दो स्टेप तीसरे स्टेप में Q पे और R पे जो आपने दो वो पॉइंट्स बनाए हैं सर्कल के ऊपर जो सर्कल सर्कल के ऊपर टच है उन उनपे नाइनटी डिग्री के एंगल्स बनाने हैं ज्वाइन कर दो आंसर है ना आसान तो फर्स्ट वाला पार्ट तो आप खुद ही करोगे बस रेडियस फोर सेंटीमीटर लेना ठीक है सेकेंड भी वही है सेम चीज एक बार हम फिर भी ड्रॉ कर लेते हैं इसे ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजन टू दिस सर्कल इनक्लाइन टू ईच अदर एट फोर्टी फाइव डिग्री है यहाँ पर तो फिर 180 में से इस बार 45 को माइनस करने वाले हैं हम यही करने वाले हैं ना तो चलो कैसे करेंगे सबसे पहले 4.2 का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पर आप भी साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर ओ नाम दे दिया यहाँ क्यू नाम दे दिया यही नाम दे दीजिएगा ताकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप ये ही लिख सको सेम आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है अब आपको फोर्टी फाइव डिग्री है तो वन एटी में से आपकी बार मैं फोर्टी फाइव को माइनस करूंगी तो वन थर्टी फाइव आएगा तो यहाँ पर मैंने वन थर्टी फाइव डिग्री का एक एंगल बना दिया ये वाला वन थर्टी फाइव ठीक है इसको मैंने आर नाम दे दिया अब क्यों पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया 90 डिग्री आप सब कंपास से बनाइएगा आर पे मैंने 90 डिग्री बनाया कंपास से बनाइएगा बिल्कुल इनको ज्वाइन किया जहाँ ये ज्वाइन होंगे ये आया होगा मेरा 45 डिग्री का क्यों क्योंकि ये 90 है ये 90 है दो बार 90 प्लस करूंगी तो 180 आएगा 180 में 135 थर्टी प्लस करूँगी तो थ्री आएगा और थ्री में से माइनस करूँगी थ्री को तो फोटी वो मेरा बन चुका है ठीक है ना तो तीन क्वेश्चन है तीनों ही सेम क्वेश्चन है सिर्फ रेडियस चेंज और एंगल चेंज है बाकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ भी चेंज नहीं है तो बिल्कुल आराम से बनाइएगा वीडियो को पॉज कर करके एक, एक स्टेप केयरफुली बनाइएगा और हर एक एंगल कंपास से बनाइएगा ठीक है क्लियर चलिए बताइएगा ज़रूर कमेंट करके तीनों क्वेश्चन बने आसानी से या फिर कहीं पर दिक्कत आई जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके फिफ्टी एट वर्कशीट कम्प्लीट बहुत ईजी वर्कशीट थी नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू